हिंदुस्तानी लोगों में कुछ बॉडी अच्छी अच्छी आदतें हैं, कुछ खराब भी हैं। तो यहाँ लड़कों को राजा बेटा कहा जाता है, तो यहाँ हर लड़के को लगता है कि मैं राजा ही हूँ। तमन्ना अच्छी चीज़ है, पर ताकत चाहिए, वो भी आंतरिक, और बहुत ताकत चाहिए। तो यहाँ सब राजा बनना चाहते हैं, हर आदमी को राजा बनना है, लेकिन ताकत नहीं इकट्ठा करनी। इंसान अपने अंदर जज्बा पैदा करे, जज्बा वो पता नहीं क्या क्या पैदा करता रहता है। जो पहली चीज इंसान को अपने अंदर पैदा करनी है वह है जज्बा, टेम्परामेंट, क्योंकि सारी लड़ाइयां टेम्परामेंट पे लड़ी जाती हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक्य याद आ रहा है बाबर का, पानीपत के पहले युद्ध के समय एक सिपाही ने आकर बाबर से कहा कि सरकार हमारे पास तो हथियार है नहीं। उसने अपनी तलवार दे दी, कहा युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, यहां से लड़े जाते हैं। और कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी और बाबर के पास 40,000 के आसपास थी, और फिर भी उसने इब्राहिम लोदी को हराया। जीतना एक जज्बा है और हारना एक सीख है। मैंने आपसे पहले दिन कहा कि हम तो मिडिल क्लास के थे, हम तो कई बार हारे। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि अरे बड़े चौड़े हो गए थे कमिश्नर बनने के लिए। कुछ तो बने सर, कहीं तो पहुंचे। अगर वहां से शुरुआत नहीं करते तो आज यहां भी नहीं होते। मिडिल क्लास के लोगों को, लोअर क्लास के लोगों को ये एरिस्टोक्रेसी डराती है बेइज्जती के नाम पर। आपको उससे डरना ही नहीं, उन्हें तो बेइज्जती, और जितनी बेइज्जती होती जाएगी उतना आप राइज करते चले जाओगे।